स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए फ्रेश ब्लॉग में। तो आज हम कटक जा रहे हैं कुछ काम से, और जगतपुर के पास भी हमारे छोटी बहन का एडमिशन भी है, तो उस तरफ एडमिशन भी करेंगे, उस तरफ हमारा काम भी ख़त्म करके आ जाएंगे। तो आज थोड़ा खींचने के लिए मन भी कर रहा है, थोड़ा खींच के थोड़ा चलाएँगे। बहुत दिनों से आप भी खींच के चलाने वाला वीडियो देखे नहीं होंगे, वरना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। आज थोड़ा खींच के चलाने का मन कर रहा है, खींच के चलाएँगे। और मेरा हमारा तो 1000 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 100 किलोमीटर के आसपास है, फिर भी कोई नहीं, अब से खींच के चलाएंगे। और कुछ दिन जाने दो, इसके बाद हमारा इंजन ऑयल भी चेंज कर देंगे, मोबिल कर डाल देंगे, फिर फिल्टर मीटर सब चेंज कर देंगे। बस एक बार मोबिल चेंज हो जाने दो, फिर देखो कैसा ड्राइव चलाते हैं, एकदम तोड़ फोड़ पूरा 100 के ऊपर टच करवाएंगे, पूरा रस भयंकर करवाएंगे, भयंकर ड्राइव फिर देखने को मिलेगा आप लोगों को। फिर मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में माइलेज टेस्ट पे वीडियो करवा देता हूँ। आप सब लोग अगर बताएंगे तो माइलेज टेस्ट वीडियो हमारा आरएस का भी करवा देंगे, उसके बाद एनएस का भी करवा देंगे। और सब लोग, जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दो, शेयर ठोक दो, लाइक ठोक दो, दोस्तों के पास भी शेयर करके सपोर्ट करवा दो। हमारा व्यूज सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, तो मोटिवेट फील नहीं हो रहा है हमको, डीमोटिवेट सा लग रहा है, मतलब वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो आप लोग अगर मोटिवेट और करवाओगे तो करने का मन और भी करेगा। और आज का मौसम तो देख पा रहे होंगे, पूरा ब्लू ब्लू स्काई, बादल भी देख सकते हो भाई, पूरा दिल खुश कर रहा है, पूरा नज़ारा व्यू जो मिल रहा है ना सामने से, भाई दिल खुश हो जा रहा है। पूरा कैमरा में उतना अच्छे से दिख रहा है कि नहीं मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है, लेकिन नंगी आँखों में भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है, सच्ची में बताऊँ तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी आज थोड़ा इतना थोड़ा थोड़ा सा जाम है, फिर भी थोड़ा खींच के चलाएंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, मीडियम खींचेंगे, लेकिन फिर भी खींच के चलाएंगे। हमें वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है आप लोगों को शायद लग रहा है, बस एक बार मोबाइल चेंज करने दो, फिर इसके बाद खींच के मज़ा ही मज़ा, मज़ा ही मज़ा। आप लोग बस सब्सक्राइब करके रखो, और जितना चाहे उतना शेयर करो, फैला दो हर जगह। और अगर कोई ड्रैगन आर्म से देख रहा है तो भाई ड्रैगन आर्म दिखा दो, अपना पावर दिखा दो, फैला दो थोड़ा, हमें भी थोड़ा अच्छा खासा व्यूज दिलवा दो, मतलब हमें भी मोटिवेट फील होगा। मुझे आधी आधी रास्ता खाली है, लेकिन आज मौसम तो बहुत बढ़िया लग रहा है, फिर भी क्या पता, हम जब भी राइड पे निकलते हैं, जब भी कहीं चलते हैं तो तब भी बारिश आ जाती है। देखते हैं आगे का मौसम कैसा रहता है, देखते हैं आगे। और आप लोगों के साइड मौसम कैसा है सब लोग कमेंट में बताना, हमारे साइड तो आप लोग देख सकते हो भाई, अभी अच्छा मौसम रहेगा तो 1-2 घंटे के बाद फिर ख़राब मौसम। और इसी के साथ सामने का व्यू देखो भाई, ब्रिज के साथ वो जो व्यू जो आ रहा है ना, नज़ारा भाई भयंकर आ रहा है, मतलब दिल पूरा खुश हो जा रहा है। पूरा कैमरा में कितना पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है वो तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है, आप लोग फिर भी देख सकते हो। तो देखो हम यहाँ शिखरपुर के आसपास पहुँच गए हैं। और आप लोगों को कैसा कैसा वीडियो चाहिए सब लोग कमेंट में बताना, तो उसी तरह वीडियो बनाने की कोशिश में ज़रूर करूँगा। आप लोग बस कमेंट में बताओ तो कौन सी साइड कैसा वाला वीडियो चाहिए। और ये हम कटक स्टेशन के ऊपर ब्रिज के पास पहुँच गए हैं। इधर से ये थोड़ा टर्निंग में डर लगता है, क्योंकि सामने से कुछ गड्डी मड्डी आ जाएगी, सिंगल रोड एक तो है, सामने से अगर गड्डी आ जाएगा तो वही गलत सीन हो जाएगा। देखो मैंने जो बोला था वही हुआ, जब भी मैं राइड में आता हूँ तब भी बारिश होता है, और बारिश के कारण देखो पानी कैसा फुल हो गया है, हर जगह पानी पानी पूरा हो गया है, यही इसी की वजह से राइड करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, मतलब कहीं स्लिप होने का चांसेस भी। ये देखो भाई एनएस पे निकले बिना हेलमेट के छपरी हीरो देख रहे हो, जो मतलब ऐसे बिना हेलमेट घर के चालान वाला नहीं करते हैं क्या इन लोगों का, लेकिन हम अगर कहीं बिना हेलमेट के निकल जाए तो हम लोगों के लिए दिक्कत है भाई। नीचे पानी है, थोड़ा आगे ले चलते हैं। का सारा काम ख़त्म हो गया, बस थोड़ा रेवेन्स साइड जाना है, उस तरफ का काम ख़त्म करने के बाद सीधा जौगतपुर को निकल जाएंगे। उस तरफ निकल जाने के बाद उधर छोटी बहन का एडमिशन है, वो भी ख़त्म करके सीधा घर की तरफ निकल जाते हैं। और ये आगे भी बोल रहे हैं बारिश बहुत होने के चांसेस है, न्यूज़ में सब बता दे रहे हैं, तो ब्लॉग मेरा कम भी हो सकता है। ये कट ऐसा कट, और ये लीन भाई पसंद, अभी खाली ये लीनिंग में तो पसंद आ जा रहा है पूरा।
काम शाम सब सीधा ख़त्म हो गया, सीधा निकलते हैं जगतपुर के साइड। फिर उधर लास्ट काम है एडमिशन का, वस्त्री का, वही एडमिशन करके सीधा घर की तरफ निकल जाते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो तो तुरंत अभी कभी सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक ठोक दो, शेयर ठोक दो, और दोस्तों के पास जितने तुम्हारे दोस्त हैं कॉन्टैक्ट पे सबको शेयर कर दो, सबको बोलो सब्सक्राइब कर दे। कार के अंदर से रिएक्शन ज़बरदस्त आ रहा है, घूर घूर के कार के अंदर से रिएक्शन। क्या बोलते पब्लिक, एक बार पूरा निकालते हैं क्या रिएक्शन वाला वीडियो, पूरा कर देते हैं एक थोड़ी एक्शन वीडियो। मार्केट एरिया लेके चलते हैं, मार्केट एरिया में रिएक्शन वीडियो करवाएंगे ठीक से अच्छे से। बीच मेन रोड में अगर मतलब गड्ढा मड्ढा है तो उसमें जो दिक्कत हो रहा है भाई, आगे का सपोर्ट टूट जाने जैसा मन कर रहा है, टूट जाएगा। हम ये पहुंच गए हैं जगतपुर और आगे से राइड जाएंगे। और जैसे कि दोस्तों मेरा जगतपुर का एडमिशन का काम ख़त्म हो गया तो यहीं से घर को निकलते हैं। छोटी बहन और मेरे दोस्त एक आए हैं, ये रहे सामने एनएस में, जो एनएस में एक दो बार वीडियो कर दिया था आप लोगों को, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो उसी एनएस में और एक वीडियो करवाएंगे, मतलब आगे भी वीडियो उसी बाइक में करेंगे। एनएस में अगर चाहोगे तो उसका भी माइलेज टेस्ट उस बाइक के एनएस का भी करेंगे, अगर आप लोगों को बोलोगे तो ज़रूर करेंगे। पहले आरएस का करवा देंगे फिर एनएस का करेंगे। ये देखो भाई, और एक एनएस 160 में निकले हीरो बिना हेलमेट के, वो लग रहा है शायद हमारे दोस्त है, हमारे दोस्त है शायद बिना हेलमेट का निकला हीरो। चल के चल के देखते हैं आगे कौन खींच लेंगे भाई, कोई नहीं वहाँ सिर्फ ये हाँ तो अपना ही दोस्त है भाई, अपना ही दोस्त है। अपना ही दोस्त निकले हैं बिना हेलमेट के हीरो बने। आजकल एनएस हमारे यहाँ सब पकड़ रहे हैं, एनएस में ज़्यादातर हमारे यहाँ एनएस है, इसलिए मैं सोचा एनएस नहीं पकड़ूंगा, एनएस तो बहुत है, आरएस पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं सोचा आरएस ही पकड़ लेता हूँ। चलो इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, सब लोग खाते पीते मस्त रहो, स्वस्थ रहो, गुड बाय, सब्सक्राइब ठोको।